हम है विदिशा भोपाल हाईवे पे एंड ये है कल्प रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे रोड का जो एकदम मिड पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट ये यहाँ से होके गई है, तो ये एरिया कहलाता है विदिशा भोपाल हाईवे। और इसके बाद जो आने वाला है वो है सांची। तो बहुत सारे लोगों को पता है और अगर नहीं पता है तो उनको मैं ये जानकारी दे दूँ। तो दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसा नहीं था जब मैं आई थी, एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था जब मैं कॉलेज टाइम में थी, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि लोग आके फोटो खिंचा सकते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है लोगों में। तो आप बना दिया है उन्होंने यहाँ पे, ऐसे ही सेम वहाँ बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे गन्ने के जूस वाले भैया बैठे रहते हैं, तो कुछ आप पी वगैरह सकते हैं, हम जैसे ले रहे हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके में भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ। टॉपिक ऑफ कैंसर ईस्ट से वेस्ट की ओर आप ये जो लाइन देख रहे हैं सर्कल में, इसको हम ग्लोब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पे 0 डिग्री साउथ होता है और 0 डिग्री नॉर्थ होता है। इक्वेटर हमारी अर्थ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक होता है साउथन हेमिस्फीयर। अब आप देखेंगे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर पे, तो उसको उस लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री ईस्ट होता है और 0 डिग्री वेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ, अगर आप, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे, 23.5 डिग्रीज पे जाएंगे, ऊपर जाते हैं, तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। अगर आप 23.5 डिग्री साउथ की तरफ यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे, आप देख सकते हैं कि मैंने एरो की मदद से आपको समझाया हुआ है, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस पे बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बनते हैं, जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मौका मिला है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। अब मैं आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताऊँगी। अगर आप नॉर्थ टू साउथ एंगल बना के चलेंगे या ऐसी लाइन खींचते हैं जैसे एंगल्स बनता जाता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसी मैं लाइंस बनाऊं, एंगल बनाती जाऊं, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आपको तो ये तो पता ही होगा कि इंडिया की लोकेशन यानी कि ग्लोब में वो है 20.5937 डिग्री नॉर्थ एंड 78.9629 डिग्री ईस्ट की। इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के एक स्टेट से होके निकलता है, उसमें एमपी उनमें से एक है। मैं आपको 8 ऐसे राज्य के नाम बता देती हूँ जो कि इससे होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो है मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप इनको याद करना चाहते हैं, तो मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मैंने इसको एक हिंदी के उससे याद किया था। बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, जैसे हम केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज याद करते थे, टेबल्स जो याद करते थे, वो ये है मित्र राम पियोंगे छाछ। अब आप देख सकते हो इनको मित्र से मी का अगर हम लेंगे मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, रा से राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इस तरह से मैंने इसको कर दिया है ताकि ईजी वे में हमको याद रहे। मित्र राम पियोंगे छाछ, च को हमने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको ईजी वे में समझाया है। एंड ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कि हमें याद रहती हैं अभी तक, ट्रिक्स एंड। तो अगर कोई भी चीज़ आप याद करना चाहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बना लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये हमारे इंडिया से होके गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता है क्योंकि वो हमारे इंडिया से नहीं निकलता है। सो गाइज़, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ये ट्रिक ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज तो हमें हर चीज़ की होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।